हे गाइस, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें तीन स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं। बताना ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाई द कंपनी। एंड थर्ड स्टेटमेंट है रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या तीनों स्टेटमेंट सही है? या जो भी स्टेटमेंट सही है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंसन करो। और अगर आप इसके आंसर को जानना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड को कि क्या है बैकग्राउंड। ये एक्चुअली जो चार्टर एक्ट 1793 की अगर बात करें तो अब ये समझना होगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या वो सही है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है एंड कर गया मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को, जबकि जो कंपनी का मोनोपोली था चाइना और इंडिया में टी प्लांटेशन के साथ वो वैसा ही रहा। ठीक है, सो ट्रेड विथ इंडिया फॉर ऑल कॉमोडिटीज एक्सेप्ट टी वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। और ये कब तक चलता है? 1833 तक चलता है, व्हेन द नेक्स्ट चार्टर एबोलिस्ड द ट्रेड ऑफ द कंपनी। चाइना में और इंडिया में टी प्लांटेशन के साथ मोनोपोली उसका नहीं बदला था, जो कि पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1830 है वो एसर्ट करता है सोवरेनिटीज ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो ऑफ कोर्स ये ऐसा है क्योंकि जो 1813 में जो एक्ट बनता है उसमें जो है क्राउन जो है पहनाया जाता है सोवरेनिटीज ओवर ब्रिटिश इंडिया को, जिसमें डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन को कि ब्रिटिश का इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होंगे। थर्ड स्टेटमेंट है जो रेवेन्यू है इंडिया में जनरेट होता था जो वो कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है उसमें दूरों दूर तक इसका जिक्र नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर 1858 की बात करें तो मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लाइक द एक्ट नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक एक्ट, एक कानून की अच्छा सरकार बने, प्रोवाइडेड फॉर लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसके थ्रू जो है रेवेन्यू कंट्रोल किया जाता है, ना कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। होप आपको ये क्वेश्चन और इसके आंसर समझ में आ गए होंगे कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, कि पहला दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट इस एक्ट में नहीं आता है। सो होप अगर आपको समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।